वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 7 कंपनी मीटिंग्स 1 इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। सो टोटल 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट, मोशन एंड अमेंडमेंट्स। लेट्स सी व्हाट इज मोशन एंड अमेंडमेंट्स। टोटल सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बिटवीन में। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं मोशन एंड अमेंडमेंट का। लेट्स सी व्हाट इज मोशन। मोशन इज अ रिटर्न प्रपोजल प्लेस्ड बिफोर द मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन। सो मोशन क्या है? ये एक रिटर्न प्रपोजल है, ये एक प्रस्ताव है जो कि इन राइटिंग होता है, मीटिंग में प्लेस किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं एंड डिसीजन लिया जाता है। ऑलराइट, वेयर इज अमेंडमेंट क्या है? एंड अमेंडमेंट इज एन अल्टरेशन और अ मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड टू द ओरिजिनल मोशन। सो अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। दैट इज ओरिजिनल मोशन में अगर कोई ऑल्टरेशन करनी हो, कोई चेंजेस करनी हो, तो हम वो कर सकते हैं, उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पर्पस। सो मेन पर्पस क्या है मोशन का? द मेन पर्पस ऑफ मोशन इज टू डिस्कस एंड टू टेक प्रॉपर डिसीजन। सो मोशन का मेन पर्पस होता है डिस्कस करना, उसके ऊपर डिस्कशन करना और प्रॉपर डिसीजन लेना। ऑलराइट, वही अमेंडमेंट का मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ एन अमेंडमेंट इज टू रिवाइज और मॉडिफाई द मेन मोशन। सो मेन पर्पस होता है अमेंडमेंट का इज टू चेंज, दैट इज जो मेन मोशन है उसे रिवाइज करना या मॉडिफाई करना। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट। व्हेन मोशन इज एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी इन द मीटिंग इट बिकम्स रिजोल्यूशन। सो मोशन, मीटिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से अगर मेजॉरिटी ऑफ पर्सन ने, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने मोशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक रिजोल्यूशन बन जाता है। वेयर इज अमेंडमेंट क्या है? When an amendment is approved by majority, it becomes a part of motion. So, जब amendment approve हो जाता है, meeting में जितने भी लोग present हैं, उनमें से majority of लोग जब amendment को accept करते हैं, approve करते हैं, तो वो motion का एक part हो जाता है। Alright, because motion के अंदर अगर हमें कोई changes करने हैं, तो उसे हम amendment कहते हैं। So, अगर वो change को accept कर लेते हैं, majority of person present in the meeting, it becomes a part of motion. Alright, so ये था motion and amendment. Next distinguish is between motion and resolution. So let's see what is motion and resolution. Very first point is meaning. सबसे पहले meaning समझ लेते हैं। Motion is a written proposal placed before the meeting for discussion and decision. So motion क्या है? ये एक written proposal है, ये एक प्रस्ताव है जो कि in writing होता है, meeting में place किया जाता है, present किया जाता है, जिसके ऊपर discussion और decision लिया जाता है, right? Whereas resolution क्या है? रिजोल्यूशन इज एन एक्सेप्टेड मोशन इन द मीटिंग। सो रिजोल्यूशन क्या है? जो मोशन मीटिंग में एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट। सो व्हाट इज अमेंडमेंट? मोशन इज सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट बिफोर इट इज पुट टू वोट। सो मोशन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अगर हमें कोई चेंजेस करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो हम मोशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बट वोट करने से पहले, राइट? वेयर एज रिजोल्यूशन, व्हेन रिजोल्यूशन इज पास्ड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। बट एक बार रिजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग। अ मोशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक्स ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग के मिनट्स बुक में मोशन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऑलराइट, वेयर एज रिजोल्यूशन, ऑल द रिजोल्यूशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक ऑफ ए मीटिंग। मीटिंग के मिनट्स बुक में जितने भी रिजोल्यूशन पास किए गए, सभी रिजोल्यूशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइलिंग। सो मोशन नीड नॉट बी फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। मोशन जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं हम रिजोल्यूशन की बात करें तो सर्टन रिजोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ इट्स पासिंग। दैट इज कुछ रिजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनके पास होने के 30 days के अंदर, 30 days के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रिजोल्यूशन को फाइल करने की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज विदड्रॉवल। दैट इज मोशन इट मे बी विदड्रॉन बाय मूवर बिफोर इट इज पुट टू वोट। सो मोशन जो है उसे विदड्रॉ किया जा सकता है, दैट टू बाय मूवर। मूवर कौन है? मूवर वो पर्सन है, वो इंडिविजुअल है जो कि मोशन को मीटिंग में प्रेजेंट करता है, राइट? मोशन को मीटिंग में प्रपोज करता है। सो मूवर वो इंडिविजुअल है जो कि मोशन को खुद विदड्रॉ कर सकता है वोटिंग करने से पहले। Whereas resolution, once it is approved, it cannot be withdrawn. So resolution एक बार अप्रूव हो गया, उसके बाद उसे withdraw नहीं किया जा सकता। Alright, next point is types. Motion can be formal motion, substantive motion. So motion के ये types है जो कि formal motion है, substantive motion है। Whereas resolution are of 3 types. Ordinary, special, resolution requiring special notice. So resolution के 3 types हैं।
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. ऑलराइट, सो ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन मोशन एंड रिजोल्यूशन. ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इज अजेंडा एंड मिनट्स. सो लेट्स सी, ये भी देख लेते हैं अजेंडा एंड मिनट्स. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग. सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं, अजेंडा क्या है एंड मिनट्स क्या है. सो अजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग. सो अजेंडा क्या है, मीटिंग में जिस भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाना है उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, विच इज नोन एज अजेंडा. वेर एज मिनट्स क्या है, मिनट्स इज द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग. सो मिनट्स क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड है, ये एक लीगल रिकॉर्ड है. मीटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन की गई है, जो भी डिस्कशन की गई है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, विच इज नोन एज मिनट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस. अजेंडा का इम्पॉर्टेंस क्या है, अजेंडा इज सेंड टू मेंबर्स अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग. सो मीटिंग के नोटिस के साथ में मेंबर्स को अजेंडा जो है वो सेंड किया जाता है. इट इज़ यूजफुल टू द चेयरमैन टू टेक आइटम्स फॉर डिस्कशन अकॉर्डिंग टू द अजेंडा. मेंबर्स कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द मीटिंग. सो मीटिंग जो है, जब भी मीटिंग कंडक्ट की जाती है तो उसकी एक नोटिस सेंड की जाती है. नोटिस के साथ में ही अजेंडा भी सेंड किया जाता है लोगों को. चेयरमैन के लिए जो अजेंडा है वो भी काफ़ी यूजफुल है, हेल्पफुल होता है, बिकॉज अजेंडा को देखकर ही, रेफर करके ही जो चेयरमैन है वो क्या कर सकते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं कि पहला कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, सेकंड कौन सा डिस्कस करना है. राइट, सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द चेयरमैन. एंड ऑब्वियसली जो मेंबर्स है वो भी खुद प्रिपेयर होकर आ सकते हैं कि उन्हें मीटिंग में ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है, बातें करनी है. सो दे कैन ऑल्सो कम प्रिपेयर. ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंस है अजेंडा का. वेर एज मिनट्स क्या है, इट एक्ट एज अ प्राइमा फेशिया एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट इज़ यूजफुल फॉर फर्दर रेफरेंस. सो मिनट्स जो है वो एक प्राइमा फेशिया एविडेंस है, दैट इज फर्स्ट साइट एविडेंस करके हम कोर्ट में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एंड फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है मिनट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन प्रिपेयर. अजेंडा कब प्रिपेयर किया जाता है, अजेंडा इज प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग. ऑब्वियस सी चीज़ है कि अजेंडा जो है वो मीटिंग के पहले प्रिपेयर किया जाएगा, बिकॉज मीटिंग कब होने वाली है उसका जो नोटिस है वो मेंबर्स को सेंड किया जाता है. नोटिस के साथ में अजेंडा भी सेंड किया जाता है. अजेंडा में चीज़ें मेंशन की जाती है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है. सो ऑब्वियस है कि जो अजेंडा है वो मीटिंग के पहले प्रिपेयर किया जाएगा. ऑलराइट, वेर एज मिनट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द मीटिंग. वही मिनट्स जो है वो मीटिंग के बाद में प्रिपेयर की जाती है, बिकॉज मिनट्स में कौन सी चीज़ें मेंशन की जाती है कि मीटिंग में कौन कौन से डिस्कशन हुए, कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए. राइट, सो मीटिंग कंडक्ट होने के बाद ही मिनट्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज टेंस, दैट इज कौन से टेंस में अजेंडा और मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है. सो अजेंडा इज ऑलवेज रिटन इन फ्यूचर टेंस. अजेंडा जो है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा होता है, बिकॉज अजेंडा में वो चीज़ें मेंशन होती हैं जो कि मीटिंग में होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है. राइट, सो अजेंडा इज ऑलवेज रिटर्न इन फ्यूचर टेंस. वेर एज मिनट्स इज ऑलवेज इन द पास्ट टेंस. जो मिनट्स होते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं. राइट, कि मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, इट वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग. राइट, सो मिनट्स जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर रिकॉर्डेड. अजेंडा जो है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है. सो अजेंडा इज इंक्लूडेड इन द नोटिस ऑफ अ मीटिंग. अजेंडा जो है वो मीटिंग के नोटिस में इंक्लूड किया जाता है. मीटिंग कब होने वाली है इसका जो नोटिस है जो मेंबर्स को सेंड किया जाता है एंड नोटिस के साथ में अजेंडा जो है वो सेंड किया जाता है. सो अजेंडा जो है वो नोटिस में इंक्लूड किया जाता है. ऑलराइट, वेयर एज मिनट्स इज रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक्स. वहीं पर मिनट्स जो है वो मिनट बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं. ऑलराइट, सो ये था अजेंडा एंड मिनट्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 कंपनी मीटिंग 1 का 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने जो कंप्लीट कर लिया इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो आई होप आपको तीनों जो डिस्टिंग्विश बिटवीन था इस पर्टिकुलर वीडियो का वो समझ में आया होगा. सो अगर आपको इस वीडियो के जो टॉपिक्स है वो समझ में आए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम.